यौन शोषण के आरोपों से मचा हंगामा, AMMA से इस्तीफे पर बोले मोहनलाल, भाग नहीं रहा। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और अपने इस्तीफे को लेकर मोहनलाल ने चुप्पी साधी हुई थी, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही थी। हालांकि अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा है वो जवाब और अपना रिएक्शन इस मामले पर देने से भाग नहीं रहे हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों महिलाओं के शोषण के मामले में खलबली मची हुई है। कुछ दिनों पहले इंडस्ट्री में महिलाओं की समस्याओं को लेकर बनी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद से मलयालम सिनेमा में हलचल मच गई। इंडस्ट्री से जुड़ी महिला कलाकारों ने सामने आकर अपनी आपबीती सुनानी शुरू कर दी। इस बीच मलयालम इंडस्ट्री की संस्था एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा के सभी सदस्यों ने रिजाइन कर दिया था। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ये 17 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव कमेटी थी। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट और अपने इस्तीफे को लेकर मोहनलाल ने चुप्पी साधी हुई थी, जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही थी। हालांकि अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि जवाब और अपना रिएक्शन इस मामले पर देने से वे भाग नहीं रहे हैं। एक्टर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में जो हो रहा है उसके बारे में बात करने आया हूं। इसे लेकर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। मेरी पत्नी की सर्जरी हुई है, साथ ही मेरी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के चलते मैं व्यस्त था और बात नहीं कर पा रहा था। मैं भाग नहीं रहा हूं। मैंने हेमा कमेटी की रिपोर्ट को अपना बयान दे दिया है। उन्होंने मुझसे सवाल किए और मैंने उन्हें वो सब बता दिया जो मैं जानता था। इसके साथ ही मोहनलाल ने आगे कहा कि मैं पिछले 2 टर्म से अम्मा का प्रेसिडेंट था। कमेटी के सदस्यों के इस्तीफा देने की जवाबदेही पूरी मलयालम इंडस्ट्री की है। अम्मा हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सभी से ये सवाल किए जाने चाहिए। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री नष्ट हो सकती है तो हमें पता नहीं होता कि और क्या करना चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अम्मा पर पूरा फोकस ना डालें। मामलों की जांच चल रही है। सभी बयान पब्लिक में सामने आ चुके हैं। कृपया इंडस्ट्री को बर्बाद ना करें। मोहनलाल के मुताबिक एसोसिएशन में भी लोगों के बीच असहमति है। ऐसे में हम सही एक्शन लेने वाले हैं। जल्द यहाँ चुनाव होगा। ये किसी भी तरह से बचने के लिए नहीं है। कृपया एसोसिएशन पर फालतू के आरोप न लगाएं। हम हेमा कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करते हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट को रिलीज कर सही निर्णय लिया है। ये बहुत ही मेहनती इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हर किसी पर यहाँ इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलेगी। जांच चल रही है। हम सभी के लिए कानून तो नहीं बदल सकते। जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सजा दी जाएगी। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट को लोग पावर ग्रुप बुला रहे हैं। इसके बारे में बात करते हुए मोहनलाल ने कहा, लोगों को सामने आने दीजिए। मैं किसी पावर ग्रुप के बारे में नहीं जानता। मैंने हेमा कमेटी की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। जूनियर आर्टिस्ट ने जिन मुश्किलों का सामना किया है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपके सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। पहली बात तो यह है कि मेरे जवाब है ही नहीं। मैं क्या ही कह सकता हूँ। जांच जरूर होगी। हम अचानक से सब ठीक नहीं कर सकते हैं। अचानक से ढेर सारे लोगों के नाम सामने आने लगे हैं। हम यहाँ मजबूर हैं। हम जांच में अपना सहयोग देंगे। हम यहाँ चीजों को बेहतर बनाने के लिए ही हैं। अम्मा के बहुत से सदस्यों पर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद गवर्निंग बॉडी के कुछ सदस्यों पर लगे यौन शोषण के आरोपों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अम्मा की पूरी गवर्निंग बॉडी ने रिजाइन कर दिया है। इसमें एक्टर इदावेला बाबू भी हैं। इदावेला बाबू पर एक्ट्रेस ने बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अम्मा की सदस्यता देने के बदले उन्हें सेक्सुअल फेवर के ऑफर दिए थे। हाल ही में सीनियर मलयालम एक्टर सिद्दीकी ने अम्मा के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया था। उन पर भी एक एक्ट्रेस ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। यह खबर आपको कैसी लगी? इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें द खबरदार के साथ। धन्यवाद।